नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर आज केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां केंद्रीय रक्षा और पर्यटक राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि वो आदि कैलाश, पिथौरागढ़ और जागेश्वर क्षेत्र से आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी चल रही है। उन्होंने बॉर्डर इलाके में भी भ्रमण किया। लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खासा उत्साह है। हल्द्वानी का गांधी आश्रम सर्दियों के सीजन की तैयारी में जुट गया है और इस बार पहले से ज्यादा सेल होने की संभावना जताई जा रही है और गांधी आश्रम भी आधुनिकता के रंग में खुद को ढलता नजर आ रहा है। हल्द्वानी गांधी आश्रम के सचिव दीप चंद्र जोशी का कहना है कि इस बार सर्दियों के सीजन के लिए महिलाओं के गर्म सूट गाउन और पुरुषों के लिए गर्म कमीज बास्केट की खासी मांग हो रही है और तमाम लोगों के लिए बल्क में ऑर्डर किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से 900 दुकानों को नोटिस देने के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है, जिसके बाद आज व्यापारियों ने व्यापार मंडल के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि लंबे समय से यहां पर उनकी दुकानें हैं और अब पीडब्ल्यूडी के द्वारा उन्हें बेवजह नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने व्यापारियों की बात सुनने के बाद सभी नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसके बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। हल्द्वानी में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने मुखानी थाना क्षेत्र में रिटायर्ड दरोगा के घर पर हुई चोरी को लेकर खुलासा किया और बताया कि हल्द्वानी के ही 3 शातिर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जो रिटायर्ड दरोगा के घर में 29 सितंबर को घटना हुई थी। सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए थे चोर। लगभग 4.5 लाख रुपए के सोने के आभूषण सहित पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इन शातिर चोरों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। तलीताल के वीर भट्टी इलाके में संचालित मदरसा से निकालकर हल्द्वानी लाए गए 24 बच्चों को मंगलवार की दोपहर बाल कल्याण समिति के अधिकारियों ने परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बता दें, बच्चे सौंपने से पहले परिजनों को CWC कार्यालय बुलाया गया। यहां उनके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज विभाग में जमा किए गए। इसके बाद परिजनों को बनबुलपुरा के मदरसा में भेजा गया और फिर वहाँ बच्चों को परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल हल्द्वानी के मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।